हेलो सन मून एंड राइजिंग जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है अगस्त 2024, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे जो चैनल उसको भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर जेमिनाइज। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक फॉर जेमिनाइज। अंडरनीथ आपके पास है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर हो सकता है आपको किसी चीज़ का इंतज़ार हो। यस, कोई आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, बट आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेल का या फिर बहुत ज़्यादा सेपरेशन में, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, या आपने अपने अदर ऑप्शंस को हमेशा ओपन रखा तो हर तरफ से आपको बिट्रेल मिला, और अब आप जो है वेटिंग पर हैं कि आपको या तो कोई सोलमेट मिले या फिर आपका आप किसी के वेट में हैं, किसी पास पर्सन के। फर्स्ट वीक में आप अपने आप को पे फोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लाइक अपने फाइनेंसेस पर और सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या आप सिंगल रहना ज़्यादा प्रेफर करें फर्स्ट वीक में। यस, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें फाइनेंशियली। हो सकता है बहुत बुरे ब्रेकअप के बाद आप जो हैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या सिंगल हुए हैं आप, ब्रेकअप के बाद सिंगल हुए हैं, फर्स्ट वीक में आपको किसी ब्रेकअप का सामना करना पड़ सकता है, या फिर प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हैं आपके तो उसमें आपको प्रॉपर्टी में लाइक इनहेरिटेंस के पैसे मिल सकते हैं और इनहेरिटेंस मनी मिल सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पर आपके अनएक्सपेक्टेड कोई मनी गेन हो सकता है आपको। लेट्स सी के सेकेंड वीक में आप किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो के सोच सकते हैं, या फिर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं सेकेंड वीक में, लोगों को कट आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, जो लोग आपको सर्व नहीं करे, लाइक जिन लोगों से आपको फ़ायदा महसूस नहीं हो रहा और आपकी लाइफ में जस्ट वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनको आप अपनी लाइफ से कट कर सकते हैं। व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर फॉर जेमिनाइज, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस, आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो सकते हैं, और यहाँ पे आप उनको ऑफ़र भी दे सकते हैं, फ्रेंडशिप ऑफ़र, या इनिशिएट ले सकते हैं आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए, या फिर ये हो सकता है कि कोई और आपको कोई ऑफ़र कर रहा है, फ्रेंडशिप ऑफ़र, जिसको आप एक्सेप्ट, मींस के कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है और एक फ्रेंडशिप ऑफ़र आपको देना चाह रहा है थर्ड वीक, सेकंड वीक में। थर्ड वीक में यहाँ पे मुझे कोई एंडिंग नज़र आ रही है किसी सिचुएशन में, एंडिंग, या फिर आपको लिटरली कोई डेथ न्यूज़ मिल सकती है किसी की तरफ से। आई डोंट नो व्हाई दिस, ये मेरे जहन में क्यों आया, क्योंकि जो मैसेजेस आते हैं वही पिक किए जाते हैं, तो मुझे ये मैसेज आया तो इसलिए मैंने इस तरह कहा है। या फिर यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक साइकिल एंड होकर दूसरा साइकिल स्टार्ट हो सकता है। सो यस, एंडिंग्स या न्यू बिगनिंग, और इसके अलावा आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने के हवाले से सोच रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के हवाले से सोच रहे हैं। सो लेट्स सी के व्हाई दिस डेथ कार्ड इज़ हियर, आप अपने बुरी हैबिट्स को कट आउट करके नई हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जिन हैबिट्स की वजह से आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ रहा है, उन हैबिट्स की वजह से अपने अंदर बदलाव लेके आना चाहते हैं, और हो सकता है ये डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली हो आपकी बैड हैबिट्स की वजह से,
और या फिर आप उस एंडिंग के लिए की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं जो आपके आपको इस रिलेशनशिप में मिला है। सो लेट्स सी के फोर्थ वीक में यस आप जो है थोड़े से नॉन सीरियस एटीट्यूड में रह सकते हैं। ये अपने आप को खुश करने के लिए आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। यस बाय दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी के जेमिनाइज के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, बाय दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज हियर फॉर जेमिनाइज। वेटिंग, सो यस आप खुद से वेट कर रहे हैं, लाइक आप वेटिंग पे रहेंगे और उस वक्त तक आप अपने आप को सिंगल रखेंगे और किसी का इंतज़ार है आपको। यस आप स्टिल वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, किसी पास पर्सन का जो के जिसके साथ आप अच्छा फील करते हैं, और अपने आप को सिंगल रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे आप। लाइक मुझे लगता है कि आप और उस वक्त तक आप जो है ख़ुद से कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहे, आप चाहते हैं कि वो पर्सन खुद वापस आपके पास आए। कोई भी स्टेप आप लेना खुद से नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जो भी है वो खुद आपके पास आए। सो लेट्स सी के यहाँ पर आपके लिए रोमांस एंजल ओरेकल की तरफ से क्या एडवाइजेस हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी के जेमिनाइज के लिए रोमांस एंजल ओरेकल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ अगस्त। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट योर रोमांटिक पार्टनर, तो यस आपको अपने सोल मेट की तलाश है, अपने रोमांटिक पार्टनर की तलाश है। आपके पास और ऑप्शंस हैं जिनको आपने अपनी लाइफ से कट आउट किया हुआ है, उन सबको आप उन सब से आपको कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है जितनी इस पर्सन से, जिसने एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिस जो आपकी लाइफ में जिसका आप वेट करें, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है और उसके बाद आपको कोई सूटेबल पार्टनर अपने लिए नहीं मिल रहा। तो मंथ ऑफ अगस्त में डेफिनेटली आपको एहसास हो सकता है कि वही पर्सन आपके लिए परफेक्ट था। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी टू ऑल। तो यहाँ पर यस यहाँ पर आपके लिए सेफ है अगर आप उस पर्सन के साथ दोबारा से रिकनसाइल करते हैं या किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपके लिए सेफ हो सकता है मंथ ऑफ अगस्त में। बड़ा मुझे लगता है कि लोगों को कट आउट करें, कोई भी ऑफ़र आपके पास आ रही है तो आप उसे कट आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, और सिंगल रहने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पर्सन के वेट में हैं। लेकिन आपको ये भी एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप और क्योंकि अगर वो पर्सन वापस आपके पास आता है तो आपके लिए सेफ है उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना। सो लेट्स सी के यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं मोनोलॉजी डेक से जेमिनाइज के लिए, जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं मोनोलॉजी डेक से। ओके शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो जिस आप अपने आप को सिंगल रख के अपने फाइनेंसिस पे फोकस करें तो अपने आप को आप क्या हैं एक्चुअली में वो आपको दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, तो यस कोई भी सिचुएशन ऐसी बन सकती है, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई एंडिंग, कोई डेथ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट बन सकती है। तो यहाँ पे आपके इमोशंस उस सिचुएशन में हाई हो सकते हैं। सो बट अपने आप पे फोकस रहें, और ये ब्रेकअप सिचुएशन भी आपको आपके इमोशंस को हाई कर सकता है। सो अपने आप पे फोकस रहें और वेट करें, और अगर आपको खुद कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत है तो आप खुद कॉन्टेक्ट करें उस पर्सन से। और ये ओवरऑल सिचुएशन में भी आपके लिए हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं चल रहा, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए आप जो हैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फोकस्ड हैं, या अपनी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं इन मंथ ऑफ अगस्त में। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है आपके लिए, तो बट बी पेशेंस एंड वेट फॉर द राइट टाइम। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.